पेंशन दे दो। आप कौन? यशवंत शिरोडकर। आपका प्रमाण पत्र लाए गया? प्रमाण पत्र की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। उसके बगैर नहीं देंगे। उसके बिना कैसे दे सकता है? ये लो, ये लो। ये मेरा जिंदा होने का सबूत। पेंशन दीजिए। दे रहा हूँ। कितने? दो। सरकारी नियमों के आड़ में रहकर मेरी मजाक उड़ा रहे? फिर के जल्दी ला पेंशन को। पेंशन? अरे अरे यशवंत, पेंशन ला जल्दी। ले, ले, ले। अरे गिन के रखा है, फिर से गिन रहा था कि बराबर है कि नहीं। मुझे जल्दी है। तबियत बरी है ना? हाँ, एकदम। सरकारी नियमों के अनुसार हर पेंशन लेने वाले को साल में एक बार अपने जीवित होने का सबूत देना पड़ता है। उस समय तो यशवंत शिरोडकर के पास अपने जीवित होने का सबूत था। उस किस्से के कुछ दिन बाद यशवंत शिरोडकर के साथ जो कुछ हुआ वो किसी भी जीवित व्यक्ति के साथ एक घटिया मजाक से कम नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यशवंत शिरोडकर के साथ ऐसा क्या हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही फोन किया था। मैं हूं यशवंत शिरोडकर। अगर तू यशवंत शिरोडकर है तो ये क्या है? ये यशवंतराव शिरोडकर, उसका डेथ सर्टिफिकेट है, लीगल। एक सही सलामत जिंदा आदमी की मौत का प्रमाण पत्र कैसे बन गया? क्या थी इस चौंकाने वाले माजरे के पीछे की सच्चाई? आइए तलाशते हैं इस हैरान कर देने वाले सवाल का जवाब। ये मांझेकर हंस नहीं रहा है, क्यों? ये दुखी क्यों है? अरे भैया, मैं अपने पत्नी से दुखी हूँ, पूछो क्यों? क्यों? अरे भैया, दो दिन के लिए बाहर जाता हूँ घर से तो पत्नी परेशान, पूछो क्यों? क्यों? के पत्नी बोली, राजा तुम बाहर चले जाओगे तो मैं तो अकेली घुट घुट मर जाऊंगी, संग तुम्हारे सारी जिंदगी बिता दूं, राजा बिन तुम्हारे एक पल न रह पाऊंगी। क्या बात? मैंने कहा, रानी सिर्फ दो दिन की तो बात है, ऐसा क्यों कहती हो, तुम रह नहीं पाओगी। पत्नी बोली, और कोई बात नहीं है राजा, दो दिन के बर्तन में किससे मंजवाऊं। चलो निकलते हैं, चलो। ठहरो 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 भाई, जरा उस शताब्दी एक्सप्रेस को जाने दो। अरे मांजरे कर, जरा शर्म करो। अरे तुम्हारी बेटी की उम्र की है वो? ए, तुम्हारी बेटी की उम्र की है वो? अबे बेटी होगी तेरी। ओए। उम्र के चलते मरू ना मरू, ये लड़की एक दिन मेरी जान लेके रहेगी भाई। चलो चलो धंधे पे चलो। आ गए आप? कितनी बार कहा है कि सुबह ठंड होती है, गरम कपड़े पहन के निकला कीजिए, लेकिन सुनते ही नहीं आप। निकाल के भी रख देती हूँ, आप क्या चाहते हैं कि पहनाया भी मैं करूं? अगर मालक काय होना रे? चला। यहीं बैठे रहो, कहाँ आंटे? इंदु अत्ता काय गड़ियार गड़ी रखो ना। इसे तो कभी नहीं भूलते, इसे बिना पहने घर से बाहर कभी नहीं निकलते। मुझे भूल जाओगे लेकिन इसे कभी नहीं भूलोगे। वैसे भी मुझसे ज्यादा तो ये घड़ी करीब है आपके। देखिए कलाई पर निशान भी बन गया है इसका। बगा बगा, देखो देखो देखो। सारा दिन घड़ी क्यों पहनूं? देखो, घर में रहता हूं तो तुम पास होती हो, है ना? बाहर जाने के बाद बार बार घड़ी देखनी पड़ती है भाई। क्यों?
घर आने में कहीं देर न हो जाए और तुम्हारी डांट न खानी पड़े, इसलिए समझी? तुम ही पढ़ना, बातें करना कोई तुमसे सीखे। मैं चाय लेकर आती। अरे तुम ले आई? क्या फर्क पड़ता है चाय, मैं लेके आऊं क्या, हाफ लेके आई क्या? अरे थांबा, बिस्कुट खाओ साथ में, वरना एसिडिटी हो जाएगी आपको। जी हाँ, खाता हूँ। यार अखबार लाएगी आप? ओहो आंटे, और दवाई भी। ओहो, लेकिन तन्वी तेरे बाबा को अकेले छोड़ के कैसे दुबई आऊं? और अपने बाबा को तो तू जानती है ना, कितने जिद्दी हैं। अपने दोस्तों और अपने घर के अलावा उन्हें कहीं आना जाना पसंद नहीं है। आई प्लीज समझो ना, देखो ऐसी हालत में मैं कैसे कोई काम कर सकती हूँ? एक तुम ही तो हो ना जो मेरा ख्याल रख सकती हो। अब राजीव तो दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं, और देखो दो ही महीने की तो बात है, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ साथ पुणे आ जाऊंगी। तो भी ना तन्वी, बिल्कुल अपने बाबा की तरह जिद्दी है। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ उन्हें पटाने की। रखती हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मुझे बटाने की कोशिश मत करना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अपनी बेटी के घर भी नहीं, तो दो तीन महीना नामुमकिन। मजबूरी है इसलिए बुला रही है, इस प्रेगनेंसी में अकेली बेचारी कैसे संभालेगी सब? अब राजीव के आई बाबा भी नहीं है जो ऐसे में उसकी मदद कर देते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ से उठकर वहां जाएं। हमारा हमारा आयुष्य है, हमें हमारी अलग सी जिंदगी है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे माँ बाप ही तो ऐसे समय में काम आते हैं, और फिर वो तो तुम्हारी लाडली है। लाडली है तो क्या हुआ, उसे दुबई का ही लड़का मिला, शादी करने की नहीं? मैं तो नहीं आऊंगा। मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? यमुना आ ही ना, 2 साल से घर पर रह रही है, अरे मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखेगी। यमुना, यमुना अगर तुझसे ज्यादा अच्छा मेरा ख्याल रखेगी तो मैं उसी से शादी करता था, है ना? तुम्हारी क्या जरूरत थी? अरे कर सकते थे उससे शादी, लेकिन क्या है ना, तुम्हारी रोज रोज की चिकचिक वो सह नहीं पाती। अरे वो तो मैं हूँ जो इतने सालों से तुम्हें झेल रही हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ ना, सुनो ना मेरी बात, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है तो उसे कह दो कि वहाँ की नौकरी छोड़े और यहाँ आए। तुम भी ना बिल्कुल अपनी बेटी की तरह जिद्दी हो। मैं जाऊंगी और अपने एजेंट से कह के मेरा टिकट करवा दो, और जब तुम्हारी जिद खत्म हो जाए तो चले आना। ये बदलाव अच्छा होता है जिंदगी के लिए। आइकता है ना, अब मैं कुछ बोल रही हूं। ओहो, मैं कुछ बोल रही हूँ और तुम घड़ी को लगे हुए हो। तो सुन रहा हूँ ना, मैं सुन रहा हूँ। अरे ये घड़ी घड़ी बंद है, मेरे बाबा ने दी हुई घड़ी है, उसे तो रिपेयर करना बहुत जरूरी है, समझे? मैं घड़ी रिपेयर करने जा रहा हूँ, आते वक्त तुम्हारी टिकट करवा लूंगा। ख्याल रखना, अभी आए। गड़ी 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 गड़ी। अच्छे से ख्याल रखना और दवा जरूर वक्त पर देना। खुशी रो तो है, हैं? चला, तुला जायला हवं। चल। Thank you.
शताब्दी एक्सप्रेस चली गई, अभी हमें भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अभी चलना चाहिए ना। चलो भैया चलो, लेकिन रुको रुको रुको, आज शाम को सब मेरे घर पे आ जाना भाई, पार्टी है। हाँ। अरे वाह, किस खुशी में भाई? मैं बताता हूँ किस खुशी में। अरे भाई, लड़की आई होगी लंदन से और दामाद पूरी स्कॉच की दुकान ही उठा कर लाया होगा। अरे भैया कुछ भी हो, सबको आना है, सबको आना। ना भाई ना, डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल हिदायत दी है, शराब नहीं पीना, शराब जहर है। अरे मेरे बुढ़ऊ, तू तो पैदाशी बुढ़ा है यार। अरे मेरे को देख, मेरे को देख, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान है। ये अखबार और ये दवाई टाइम पर ले लेना, भूलना मत। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी दो दो बीवियां हैं। अब जो रहो बैठो, यहाँ बैठो। अब बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है, कल रात को थोड़ा बुखार आया था, चक्कर भी आया था। डॉक्टर की रिपोर्ट आने तक अपनी सेहत का ख्याल रखो, काम से फुर्सत निकाल कर आराम किया करो। हाँ बाबा। सो जाया करो, गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ, आराम करो, जाओ। समय बीतता गया और इंदु को गए हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया था। यशवंत अपनी दिनचर्या में खुद को व्यस्त रख रहे थे और यमुना भी पूरी कोशिश कर रही थी कि इंदु की गैर हाजिरी में भी यशवंत खुश रहे और उन्हें इंदु की कमी महसूस ना हो। हेलो, हाँ आपके लिए फोन है। हेलो, काय? वहिनी सांभाळा स्वतःला, हिम्मत रखिए, लेकिन ये अचानक कैसे हुआ? पाप से आने के बाद तो बिल्कुल ठीक थे, ना जाने अचानक ये सब क्या हो गया। ये कोई वक्त है ऐसे मामलों में तमाशा खड़ा करने का? वक्त का मुंह ताकते रहेंगे तो आप हमारी नाक के नीचे से प्रॉपर्टी खींच ले जाएंगे। हाँ, गलत क्या है इसमें, मेरी पत्नी पड़ी है, वसीयत हमारे नाम होनी चाहिए। पहले तो इससे पहले ही कहा था वसीयत बनवा लीजिए, मगर ये तो इसी पद पर अड़े रहे कि अभी तो मैं जवान हूँ, बस ये सब देखना तो तय ही था। इस वाक्य ने यशवंत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो समझ गया था कि इस उम्र में कब क्या हो जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं, ऐसे में वसीयत ना हो तो खून खून का दुश्मन बन सकता है। ठंडे दिमाग से सोच विचार कर बनाई गई वसीयत मृत्यु के बाद उठने वाले हर वाद विवाद को रोक सकती है। यशवंत ने तय कर लिया कि वो वसीयत और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ जरूरी बदलाव कर लेंगे। परेश, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी के नॉमिनी का नाम बदलना चाहता हूँ मैं। तो अंकल हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। सॉरी हाँ परेश। हेलो, 100 वर्ष आयुष्य है तुला। अच्छा, कैसे याद किया? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, जरा ये अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, उसका नॉमिनी बदलना चाहता हूँ और एक वसीयत भी बना रहा हूँ। ये अपनी MPV कॉलोनी में प्रॉपर्टी है ना, बेकार पड़ी है। ये अचानक वसीयत की क्या सूझी है तुम्हें? ये उम्र में कब क्या कैसे बता नहीं सकते कब होगा, तो इससे ये बेहतर है कि कागजात सही हो ताकि अपने पीछे जो है उन्हें कुछ तकलीफ ना पहुंचे। गायत्री का है? अरे अकेले है तो क्या दिमाग इन्हीं बातों में लगा रखा है? दिमाग सही जगह पे लगा रहा हूँ। वैसे भी तुम तो साथ नहीं हो इस वक्त, ये ऐसी बातें सुनकर शायद तुम जल्दी लौट आ जाओगी, है ना? ओहो, तुम्हें तो सिर्फ एक नौकरानी चाहिए 24 घंटे अपने पास, जो तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाती रहे। चलो छोड़ो, तुम कौन सा मेरी बात मानने वाले हो?
यमुना है तो उसे फोन दो और अपनी सेहत का ख्याल रखना। लेकिन यमुना शायद गांव जाएगी, मैं भेज रहा हूँ उसे। उसके कोई जमीन के कागजात पर उसकी साइन करनी है, कोई प्रॉब्लम है उसकी प्रॉपर्टी के, तो मैं उसे भेज रहा हूँ। अरे कोई गांव में भेजने की जरूरत नहीं है उसे। अरे मेरे पीछे से वही तो घर संभाल रही है। और तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर के मामले में तुम मत पड़ा करो, लेकिन सुनते नहीं हो ना। उसे फोन दो। एक मिनट, बुलाता हूँ उसे। यमुना आई साहब, जल्दी आओ। लो यमुना से बात कर लो। लो। हाँ दाई। गांव जाने के बाद क्या कहाँ से आ गई? जब तक मैं नहीं हूँ ना तो तुम वहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगी। बीवी साहब जो मर्जी बोलते रहे तो भी अपने शौहर के कान चबाए बगैर उन्हें तसल्ली नहीं मिल। क्या क्या फॉर्मेलिटी थे वो नॉमिनी का नाम बदल? अंकल एक्चुअली में मैं यही बताने आया था कि जल्दी जल्दी मैं ऑफिस से निकल गया और आपकी फाइल वहीं छूट गई। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल सारी फाइल तैयार करके आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ, कल आता हूँ अंकल। हाँ अंकल, एक साइन यहाँ पर, एक यहाँ पर और हर पेज पर नीचे एक एक साइन, और आप भी साइन कर दीजिए। मैं? हाँ। अरे भाई नॉमिनी चेंज हुआ है तो विटनेस तो लगेगा ही ना अंकल, समझाइए ना इन्हें। यमुना अगर ये इकड़े ही है। ये कह रहा है वहां साइन करके ये पेपर से मेरी जान छुड़ा लो। ये लो। थैंक यू अंकल, आपका काम जल्दी हो जाएगा, मैं चलता हूं। यमुना ये पैसे रखो। नहीं नहीं सब, नहीं सब। तुम्हारे काम आएंगे और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो जरूर बिना झिझक मुझे बोल देना, समझी? बिंदु को बताने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सब आप अपना ख्याल रखो सब। चाय बेटा, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो इंदु, मी बोलतो है। कैसी है तू? मी बरी है, तुम्ही कैसे आए? मैं भी तो ठीक हूँ, ठीक ही हूँ। अच्छा जरा राजीव को फोन देना, मुझे उसे बात करनी है जरूरी। हाँ बा, राजीव बाबा बात करना चाहते हैं। अरे तुमको खांसी हो रही है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? दवा वक्त पर ले रहे हो कि नहीं? नहीं, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा, तुम यमुना को फोन दो। यमुना गांव गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है उसको, इसलिए कुछ पैसे देकर मैंने उसे गांव भेजा है। अरे ऐसे कैसे गांव भेज दिया, मना किया था ना मैंने। अब कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल? बात करते हैं। मैं खुद मेरा ख्याल रखूंगा। एक काम करना, जल्दी से राजू को फोन देना, राजू से कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ बाबा। देखो मैंने तुम्हारे साथ एक बात की थी जरूरी, मुझे एक वकील चाहिए। वो क्या तुम्हारी वो क्लासमेट है ना कोई वकील, श्वेता, तो उसका जरा आता पता दे देना मुझे। लेकिन बाबा अभी तो वो है नहीं, कहीं बाहर गई हुई 15 दिन के लिए। मैं उसको इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो जैसे ही आएगी ना वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। ठीक है, रखता हूँ। नमस्ते, मैं यशवंत शिरोडकर, कल ही आपसे बात हो गई फोन पर, मैं राजीव का फादर इन लॉ। जी अंकल, शताब्दी एक्सप्रेस 8:15 वाली, बैठिए ना। बेटा हम लोग तो वो अंकल, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं।
राजीव ने बताया था कि आपको बिल के पेपर्स तैयार करने। हाँ हाँ, आप सारे डिटेल्स लाए हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए मैडम, मेरा एक मकान है, कुछ एफडीज हैं और एमपीवी कॉलोनी में एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा है कई दिनों से। इस सब को लेकर मुझे एक विल बनानी है। ठीक है अंकल, सारे पेपर्स इसी फाइल में है ना? हाँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, प्रॉपर्टी इवैल्यूएट करने के बाद आपकी विल बन जाएगी। तो मैं चलूं? ठीक है अंकल, नमस्ते। श्वेता यशवंत की प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करने गई थी। खुद यशवंत के मुताबिक वो प्रॉपर्टी कई सालों से बेकार पड़ी थी। फिर श्वेता ने वहां ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर वो इस तरह चौंक गई? दादा ये प्लॉट? मैम ये प्लॉट तो कलावंत बिल्डर का है। पर ये तो मिस्टर यशवंत शिरोडकर की जमीन है, किसकी परमिशन से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है? अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप कलावंत बिल्डर से कीजिए। ये देखिए, ये उस जमीन का एग्रीमेंट जो मैंने एक NRI से खरीदा था और उन्होंने किसी यमुना नाम की औरत, मिस श्वेता मैं एक क्लीन बिल्डर हूँ, हमारे लीगल एडवाइजर मिस्टर रमेश चापेकर और उनके होते हुए हम किसी इलीगल डील में हाथ भी नहीं रख सकते। मिस्टर कलावन, आप मुझे उस NRI का कॉन्टैक्ट नंबर और नाम दे सकते हैं? श्योर, मैं अपनी सेक्रेटरी से कहकर अभी आपको डिटेल पहुँचा देता हूँ। मैम आई हैव चेक ऑल द डिटेल्स, ये प्रॉपर्टी शायद किसी मिसेज यमुना कामकर से खरीदी गई है क्योंकि पुणे से है। What? लेकिन ये प्लॉट तो मिस्टर यशवंत शिरोडकर के नाम पे है ना? मैम मुझे इतना कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो शायद उनके लिविंग पार्टनर है और जहाँ तक मुझे खबर है मिस्टर शिरोडकर ने उनको ये प्लॉट गिफ्ट किया था जो कि बाद में यमुना ने हमारे सर को बेच दिया। तो इन एजेंट, अच्छा तो आप मुझे उस एजेंट का नंबर दीजिए जिसने ये डील करवाई है। मैम एक्चुअली जो हमारे एजेंट है उनका एक्सीडेंट हो चुका है, वो पिछले 7 दिनों से कोमा में है। ओह नो, आई एम सो सॉरी। अच्छा आप मुझे उनके ऑफिस की डिटेल्स ही दे दीजिए, आई विल टेक इट फ्रॉम देयर। ओके। श्वेता ने जब एजेंट के ऑफिस में पूछताछ की तो पता चला कि प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स लीगल थे। एजेंट की नाजुक हालत होने के कारण श्वेता एजेंट से तो नहीं मिल सकी और ना ही वो इस बात का जिक्र यशवंत से कर सकी क्योंकि बुजुर्ग होने के साथ साथ वो राजीव के रिश्तेदार भी थे और उनसे उनके और यमुना के रिश्ते के बारे में पूछना उसे सही नहीं लगा। लेकिन क्योंकि मामला विल का था तो बहुत सोचने के बाद उसने इस बारे में राजीव को कॉन्फिडेंस में लेने का मन बनाया। जाहिर है जब राजीव को इस बात की खबर मिली तो उसके होश उड़ गए। हेलो हेलो इंदु, तुम कब लौट रही हो? क्यों यमुना से दिल भर गया? यमुना से? ये क्या बोल रही हो तुम? ज्यादा पन्ने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। क्या बातें कर रही हो तुम? मैं और यमुना से? बकवास बंद करो। मैं बकवास कर रही हूँ? और तुमने MPV कॉलोनी वाली जमीन यमुना के नाम किस खुशी में कर दी? क्या बोल रही हो तुम? ये MPV कॉलोनी की प्रॉपर्टी में यमुना के नाम क्यों करूँगा? पागल हो गया हूँ मैं, उसे क्यों दूंगा? और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये सोच कर घिन आ रही है कि इतने सालों में तुमने न जाने किन किन बातों पर मुझे धोखा दिया होगा और मैं बेवकूफ तुम जैसे इंसान पर भरोसा करती रही। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही फोन किया था, मैं हूं यशवंत शिरोडकर। अगर तू यशवंत शिरोडकर है तो ये क्या है? चोरी पकड़ी गई ना, ये यशवंतराव शिरोडकर का डेथ सर्टिफिकेट है लीगल। अरे गोटे है, समझ में आ रहा है ये सब तुम लोगों की साजिश है। तुम लोगों ने ये सोचा कि ये उम्र में मैं क्या करूंगा? जमीन जमीन हड़प करके उस पर आप बिल्डिंग बनवाना चाहते, पैसा कमाना चाहते? समझाइए अपने क्लाइंट को, ईमानदार लोगों पर कीचड़ उतारने से इसकी खुद की मक्कारी चुकने वाली नहीं है।
जिंदा है, अपनी जमीन इसने बेची है, इसका प्रूफ है हमारे पास। ये लो, तुम्हारे बेल और फीस के पैसे। गलती मेरी थी, मैंने तुम पर भरोसा किया। और एक हिदायत देता हूं, झूठी रिपोर्ट्स देखकर अपने क्लाइंट के घर पे उसकी शिकायत करने से पहले क्लाइंट को क्रॉस चेक करना चाहिए। आइंदा मुझे मिलने की कोशिश मत करना, फिट में वकील बदल रहा हूं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा, मेरा हक लेकर रहूंगा। लेकिन अपनी पत्नी और समाज द्वारा लगाए गए इल्जामों ने यशवंत का दिल दिलाकर रख दिया था। उसने तय किया वो ऐसे हार नहीं मानेगा और एक नई वकील की मदद से उसने कोर्ट में कलावन बिल्डर्स के खिलाफ जबरदस्ती जमीन के गबन का केस फाइल किया। इस पूरे वाक्य के दौरान उसने एक बार भी अपने परिवार वालों से बात नहीं की, क्योंकि वो चाहता था कि केस जीत कर उन्हें गलत साबित करे और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सके। यशवंत ने बिल्डर पर केस तो दर्ज कर दिया था, पर जब भी श्वेता ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ना तो घर पर मिलते और ना ही उनका फोन लगता। कोर्ट ने तारीख का ऐलान किया, उस पर भी यशवंत नहीं आए। आखिर कहां थे यशवंत? कुछ दिन और इंतजार करने के बाद जब यशवंत का कुछ पता नहीं चला तो श्वेता ने राजीव से इंडिया आने को कहा। कलावन के लॉयर ने इसे ओपन एंड शट केस बताया। उनका यह कहना है कि अंकल और यमुना का यह सब प्लान था। आंटी के दुबई जाते ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने एमपीवी कॉलोनी वाला घर यमुना के नाम कर दिया, जिसने उसे आगे एक एजेंट के साथ मिलकर एनआरआई को बेच दिया और उस एनआरआई ने एक बिल्डर को। इसका मतलब है कि पापा और यमुना का वाकई में कोई अफेयर था? अनबिलीवेबल तो है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि कोर्ट में उनके इंश्योरेंस एजेंट ने खुद आकर ये वैलिडेट किया है कि उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी चेंज करवाया था और वो नॉमिनी थी यमुना, और कुछ ही दिन बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट किया गया था और उसके बाद 50 लाख रुपए यमुना के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे और वो पैसे निकलवाने के बाद बंद कर दिया गया और इसी बैंक अकाउंट में उस जमीन के सेल के पैसे भी थे। मतलब पापा ने आई के साथ साथ उस बिल्डर को भी धोखा देने की कोशिश की? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट तो तब भी था जब मैं अंकल को पुलिस स्टेशन लेने गई थी। कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है उनके एब्सेंस में? 15 दिन में अंकल और यमुना की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है, लेकिन अंकल हैं कहाँ? कहा है कि सुबह ठंड होती है, गरम कपड़े पहन के निकला कीजिए। अगर मालक काय होना रे? अकेले ही जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? Thank you.
यमुना की रिपोर्ट? यमुना को कैंसर? देखो अब सब डिसाइड हो गया है, पापा का जो कुछ है सो है, लेकिन आई को हम अपने साथ दुबई लेके चलेंगे बस। और वैसे भी बाबा ने जो कुछ भी किया उसके बाद तो अब इस घर में एक मिनट भी रहने का मन नहीं करता, और मुझे तो सोच कर भी नफरत होती है कि पता नहीं उस यमुना के साथ कहां भाग गए होंगे। वो भागे नहीं है, तुम्हारे बाबा कहीं भागे नहीं है और ना ही कहीं वो अपनी मर्जी से गए हैं। पर आई ये बात इतने यकीन के साथ तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि वो कभी भी अपनी घड़ी के बिना घर से बाहर नहीं निकलते थे, और ये घड़ी वहीं थी ड्रॉर में, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि वो अपनी घड़ी के बिना घर से निकले हो। यमुना की ये मेडिकल रिपोर्ट, इस सारे केस में कुछ तो ऐसा है सर जो सही नहीं है। मेरे पति मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैडम आपके पति एक उंदा खिलाड़ी है, ये नकली डेथ सर्टिफिकेट और ये फर्जी बैंक अकाउंट एक ईमानदार बिल्डर को अपनी जगह बेचकर और उसी पर फ्रॉड का इल्जाम लगाना, ये छोटे मोटे चोर का खेल नहीं है। ये सब सिर्फ आरोप है, अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, और जब इन्हें शक है तो आपका फर्ज बनता है कि आप पूरी इंक्वायरी करें। मैडम मिस्टर सिरोडकर ने जितने बड़े फ्रॉड किए हैं कि उसके सामने आपके ये मेडिकल रिपोर्ट्स और ये घड़ी ये सब कुछ नहीं है। बुढ़ापे में जवानी का खेल खेल रहे हैं मिस्टर सिरोडकर, ये अपने प्रेमिका के साथ गायब हो चुके हैं। मेरा यकीन मानिए सर, मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मेरा दिल कहता है कि बात कुछ और है, आप इस केस की दोबारा जांच करवाइए। ये घड़ी उनके बाबा ने हमारी शादी पर दी थी, और तब से आज तक वो इस घड़ी के बिना घर से कभी नहीं निकले, बल्कि उनकी कलाई पर इस घड़ी के कारण घड़ी का निशान बन गया था। आप चलिए मेरे साथ, आइए प्लीज। हमने सारी कानूनी कार्रवाई तो कंप्लीट कर ली है, अब बाबा का अंतिम संस्कार होते ही आई को लेकर जल्द से जल्द दुबई चले जाते हैं। वैसे भी इस घर में रहना बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि बाबा को किसने मारा? अब ये जानकर क्या करना है? वैसे भी बाबा ने जो कुछ भी किया या उनके साथ जो कुछ भी हुआ ये उनके ही कर्मों का फल था। नहीं, तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है। यमुना तो खुद बीमार थी, उसकी रिपोर्ट देखी ना। पर आई वो रिपोर्ट छोटी भी तो हो सकती है ना, और वैसे भी इन सब बातों का क्या फायदा, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से बाबा लौट कर तो नहीं आने वाले अब। लेकिन उनके साथ जो हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। जहाँ तन्वी अपने पिता को गलत मान रही थी, वहीं इंदु को अपने पति पर विश्वास था कि हो ना हो इस बात के पीछे का राज कुछ और ही है। यमुना की मेडिकल रिपोर्ट, यशवंत की घड़ी और फिर उसकी मौत का खुलासा इंदु को यकीन दिला रही थी कि उसकी सोच सही है, और अपनी इसी गट फीलिंग के भरोसे इंदु यमुना के घाव पुलिस को लेकर पहुंची। आपके घर से जाने के बाद बस में ही मेरी तबीयत खराब हो गई, बस ड्राइवर ने मुझे अस्पताल में दाखिल करा दिया। 15 दिन में अस्पताल में ही थी, कुछ दिन हो गए मैं यहाँ आई, और आपने साहब की ये बात
आप बहुत अच्छे थे, उनके साथ ऐसे कैसे हो गया? क्या सा नाटक करो नको, समझ लगा? अकाउंट खोला, जमीन बेची, बीमा के पैसे सब अकाउंट में आ गए ना, ये सब तुम लोगों की चाल थी। अब बता तुम्हारे साहब कहाँ है? यशवंत को तूने क्यों मारा? मैंने मार दिया। मैं क्यों मारूंगी साहब को? मुझे क्या मिलेगा साहब को मार के? पैसा, धन दौलत। आपको भी विश्वास है इनके बातों पर? वो आपके पति थे ना, उनका दोस्त मर गया, तो कितना डर गए थे वो। उनको ऐसे लगा कि तुम्हारे बच्चे ने जायदाद को लेकर तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हारा क्या होगा? इसीलिए उन्होंने वो परेश बाबू को बुलाया और जायदाद से बच्चों का नाम हटाकर तुम्हारा नाम डाला और नए कागज बनवाए। क्यों शक किया उन पर तुमने? मैंने तो गवाह के तौर पर सही की थी मैंने, और वो परेश बाबू उन्होंने भी की। साहब ने उनको पूछा, एक नॉमिनी चेंज करना है तो कितने पेपर्स पे साइन लेगा तू? तो परेश बाबू ने बोला नियम बदल गए हैं, साक्षीदार का साइन तो लगता है ना। हाँ, नॉमिनेशन बदलने के लिए दो पेपर के फॉर्म की जरूरत पड़ती है, बाकी क्या उन कागजातों में क्या था? सच सच बताओ। ये हम भी तो जानना चाहते हैं कि ये कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके फॉर्मेलिटीज बढ़ गई। बताता हूँ। एक दिन यशवंत अंकल ने मुझे फोन किया और बोला कि मैं अपना नॉमिनी बदलाना है, इसलिए मैं कुछ फॉर्म लेकर उनके घर गया। जब मैंने उन्हें इंदु आंटी से फोन पर एमपीवी कॉलोनी के प्लॉट के बारे में बात करते सुना। ये अपनी एमपीवी कॉलोनी में प्रॉपर्टी है ना, बेकार पड़ी है। तभी मेरे कान खड़े हो गए, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया साहब। मुझे लगा कि मैं किसी भी तरीके से इन बुड्ढा बुड्ढी की प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी बेटी और दामाद तो यहाँ है ही नहीं, दुबई में है। जब तक किसी को पता चले मैं सब कुछ बेच बाज कर यहाँ से निकल जाऊंगा, और मेरी इस स्कीम में मुझे मुझे एक इंसान की जरूरत थी साहब, यमुना। मैं उस दिन किसी भी बहाने से फॉर्म ना लाने का बहाना करके वहां से चला गया। जल्दी जल्दी मैं ऑफिस से निकल गया और आपकी फाइल वहीं छूट गई। मैं कल सारी फाइल तैयार करके आपके पास आ जाऊंगा। और अगले दिन पूरी तैयारी के साथ आया साहब, लैंड के लीगल डॉक्यूमेंट, सारे ट्रांसफर पेपर, सब कुछ लेकर मैं अंकल के पास गया, क्योंकि अंकल मुझ पे बहुत भरोसा करते थे। उन्होंने बिना पढ़े सारे पेपर साइन कर दिए साहब, लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से एमपीवी कॉलोनी के प्लॉट और इंश्योरेंस की नॉमिनी यमुना बन गई। मैंने किसी बहाने से एक नए बैंक अकाउंट के पेपर पर यमुना के साइन ले लिए, दोनों में से किसी को भी शक नहीं हुआ, और कुछ ही दिनों में वो प्लॉट सारा पैसा मेरे नाम हो गया साहब। मैंने वो प्लॉट किसी एजेंट के थ्रू एनआरआई को भेज दिया साहब। मैंने अंकल का फर्जी टैक्स सर्टिफिकेट बनाकर सारा पैसा यमुना के अकाउंट में डलवा दिया था, और सारा पैसा लेकर इंडिया के बाहर जाने वाला था कि पता चला कि मैं श्वेता को शक हो गया है एमपीवी कॉलोनी के प्लॉट के बारे में। मुझे लगा कि सारा पेट खुल जाएगा, तो मैंने अंकल को फोन किया कि अंकल मेरे पास प्लॉट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे बस स्टैंड के पीछे मिलो। अंकल मुझ पर भरोसा करते थे, वो मुझसे मिलने आ गए। आप लोग आज की शिनाख भी ना करो, गलती होगी सा। परेश को अदालत ने इंडियन पेनल कोड की दफा 120 बी के तहत षड्यंत्र की साजिश का दोषी, सेक्शन 420 के तहत
धोखाधड़ी और सेक्शन 468 के तहत जालसाजी का दोषी करार दिया और साथ ही यशवंत शिरोडकर का कातिल करार देते हुए दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। एक पल के लापरवाही की यशवंत और उसके परिवार को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। किसी भी तरह के सरकारी या अहम कागजों पर साइन करने से पहले उन्हें पूरी तरह से पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है। बिना पढ़े बिना समझे किसी भी पेपर पर साइन करना आफत और कई बार जुर्म को निमंत्रण देना है। इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं इतिन तेजवानी अब आपसे लेता हूं इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।